हेलो बडीज, तो आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम कंखवार। बच्चों, आपके नीट के एग्जाम के लिए हम एक नई सीरीज आज स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और इस सीरीज का जो काम है मेनली वो मैं पहले आपको बताता हूँ। जो टॉपिक पढ़ने में हम करीब 1.5 घंटे का टाइम लगाते हैं, करीब एक क्लास 90 मिनट की होती है, तो 1.5 घंटे में जितना कंटेंट हम पढ़ते हैं 90 मिनट में, मैं कोशिश करूंगा कि करीब 9 मिनट में वो कंटेंट कंप्लीट हो जाए, यानी 10 टाइम्स हम टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। 10 गुना कम टाइम में उतने ही टॉपिक को आप कवर कर पाएंगे। तो हम लोग इसका नाम रख रहे हैं नीट एक्सप्रेस सीरीज। तो एक्सप्रेस के हिसाब से हम लोग चलेंगे, एनसीईआरटी के हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हुए यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सारी चीजें पहले से यहाँ पर लिखी रहेंगी और मैं उनको एक्सप्लेन करता हुआ रिवाइज कराता हूँ आपको ले चलूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो एनसीईआरटी है, हमारा जो नीट का एग्जाम, उसमें बायो के 38 चैप्टर और 10 यूनिट्स हैं। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि नीट एक्सप्रेस सीरीज में हर एक यूनिट, हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पर कवर करें। तो नीट एक्सप्रेस सीरीज में आज बहुत बेसिक बातें हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी जो बायोलॉजी है नीट के लिए, उसमें 10 यूनिट एंड 38 चैप्टर्स हैं यहाँ पर। अब इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले तो बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में तो पता होना चाहिए कि एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं। तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। यहाँ पर दो बातें हमारे पास है, लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। अब लाइफ फॉर्म का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, जिसे हिंदी में जीव कहते हैं। जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म, आप एक ऑर्गेनिज्म, एक चींटी एक ऑर्गेनिज्म, एक हाथी एक ऑर्गेनिज्म, एक कुत्ता एक ऑर्गेनिज्म, एक चूहा एक ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी जाति का कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, कोई भी जाति हो, आम, अमरूद, गेंदा, गुलाब, गुड़हल, पीपल, बरगद, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, जो भी नाम आप जानते हैं, हर एक जाति का एक इंडिविजुअल, एक सदस्य ऑर्गेनिज्म कहलाता है। तो मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, आप भी एक ऑर्गेनिज्म, और किसी भी जाति का एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कहलाता, किसी भी जाति का। अब हमारी अर्थ पर जो जातियां हैं वो हैं 17 से लेकर 18 लाख, जिसको हम कहते हैं 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हमारी अर्थ पर है। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हमारी अर्थ पर है। तो मिलियन का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, जब हम नॉर्मली पढ़ते हैं इंडियन सिस्टम में, तो इंडियन सिस्टम में लाख, करोड़, अरब, ये सब टर्म यूज करते हैं। लेकिन जब हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये सब नहीं यूज होगा, यहाँ पर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन का यूज किया जाएगा। तो इनको पहले समझ लेते हैं। 1 मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 to power 6, मतलब 10 के आगे कितने जीरो हैं, 5। 10 के आगे 5 जीरो हैं। 10 की पावर 6 का मतलब 10 के आगे 6 जीरो नहीं, 1 के आगे 6 जीरो, या 10 के आगे 5 जीरो। और 10 to power 6 का मतलब हिंदी में 10 लाख। जैसे एग्जाम्पल देखो, नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ, हमारी अर्थ पर जातियों का नंबर कितना है, 1.7 टू 1.8 मिलियन, यानी 17 से लेकर 18 लाख जातियां धरती पर हैं। तो ये तो मिलियन का यूज हो गया। दूसरा है बिलियन। बिलियन की अगर बात करें तो बिलियन होता है 10 to power 9, इसी को हम 1 अरब भी कहते हैं और 100 करोड़ भी कहते हैं। जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन से ज्यादा है, मतलब 8 अरब लोग, मतलब 800 करोड़ लोग हमारी धरती पर इस समय रहते हैं। और 11 जुलाई भी हाल ही में बीता है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। तीसरा ट्रिलियन, ट्रिलियन होता है 10 to power 12। तो मिलियन इज 10 to power 6, बिलियन इज 10 to power 9, एंड ट्रिलियन इज 10 to power 12। जैसे सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में जो सेल का नंबर 10 ट्रिलियन है। अब 10 ट्रिलियन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रिलियन की जगह पर हम लिखते हैं 10 to power 12, तो 10 ट्रिलियन का मतलब हो गया 10 to power 13, यानी हमारी बॉडी में 10 to power 13 सेल है, या 10 ट्रिलियन सेल हमारी बॉडी में। तो बायो में हमें मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन तीनों का यूज करना है। तीनों के एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए जो आपको ध्यान रखने हैं। अब यहां डेफिनेशन लिखिए, क्या लिखा है, एवरी इंडिविजुअल ऑफ
एनी स्पीसीज इज नोन एज ऑर्गेनिज्म, किसी भी जाति का 17 से 18 लाख जातियां और किसी भी जाति का हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने कहा मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, किस जाति का? होमो सेपियंस। मैंगो प्लांट एक ऑर्गेनिज्म है, किस जाति का? मैंजीफेरा इंडिका। तो किसी भी जाति का एक इंडिविजुअल क्या कहलाता है? ऑर्गेनिज्म। एक गेहूं का पेड़ एक ऑर्गेनिज्म है, एक कुत्ता एक ऑर्गेनिज्म है। तो किसी भी जाति का एक इंडिविजुअल क्या कहलाता है? ऑर्गेनिज्म कहलाता है। तो हमने क्या पढ़ा? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। लाइफ फॉर्म को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में हमने जान लिया। अब आते हैं लिविंग प्रोसेसेस, जीवित प्रक्रियाएं। लिविंग के अंदर, सजीव के अंदर जो भी घटनाएं चलती उन्हें लिविंग प्रोसेस कहते हैं। जैसे हम लोगों के अंदर डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन एक लिविंग प्रोसेस है। अब आप बताओ डाइजेशन की पढ़ाई कहां करते हो? बायोलॉजी में। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग की पढ़ाई कहां करते हो? बायोलॉजी में। फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं, फोटोसिंथेसिस कहां पढ़ते हैं? फिजिक्स में। नहीं, कहां पर? बायोलॉजी में। तो चाहे वो डाइजेशन हो, ब्रीदिंग हो, फोटोसिंथेसिस हो, सर्कुलेशन हो, एक्सक्रीशन हो, ये सब लिविंग प्रोसेसेस हैं जिनकी पढ़ाई हम लोग कहां करते हैं? बायोलॉजी में। इसीलिए कहा जाता है बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। यहां पर लाइफ फॉर्म ऑर्गेनिज्म के बारे में, जीव के बारे में पढ़ाई करते हैं और साथ ही लिविंग प्रोसेसेस के बारे में भी पढ़ाई करते हैं। अब जो बायोलॉजी की दो मेन ब्रांचेस हैं, एक को कहते हैं जूलॉजी एंड सेकेंड इज नेम्ड एज बॉटनी। जो जूलॉजी है दिस इज द स्टडी ऑफ द एनिमल्स, यहां पर जानवरों के बारे में पढ़ाई करते हैं, एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। और बॉटनी इज द स्टडी ऑफ द प्लांट्स। लेकिन एनसीईआरटी में जूलॉजी और बॉटनी का कोई भी बंटवारा नहीं है, कोई भी डिवीजन नहीं है। तो हम जैसे एनसीईआरटी में यूनिट्स दी गई हैं, जैसे चैप्टर दिए गए उसी हिसाब से पढ़ेंगे, यानी बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे सराउंडिंग में दो तरह की चीजें हैं, कुछ लिविंग और कुछ नॉन लिविंग। देखो ऑब्जेक्ट सराउंडिंग में दो तरह की हैं, लिविंग थिंग जिनको हम कहते हैं एनिमेट ऑब्जेक्ट, सजीव, और दूसरा नॉन लिविंग थिंग, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जिन्हें हम निर्जीव कहते हैं। अब सजीव और निर्जीव में सबसे जो बेसिक डिफरेंस है वो है सेल का। जैसे मैं लिविंग हूं, सजीव हूं, तो मेरी बॉडी में क्या है? सेल प्रेजेंट है। और अगर कोई निर्जीव है, जैसे स्पेन की बात करें, इस पैनल की बात करें, तो ये नॉन लिविंग, क्योंकि इसके अंदर सेल नहीं, कोशिका नहीं है। तो जिसमें कोशिका पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग। और जिनमें कोशिका यानी सेल नहीं पाई जाती उसे नॉन लिविंग कहते हैं। तो सेल के आधार पे हम लोग, कोशिका के आधार पे दो तरह के हमारे सराउंडिंग की चीजों को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब हम लोग यहां पर एनसीईआरटी में हमारे पास टोटल 10 यूनिट्स हैं। हम लोग यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इस यूनिट में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा है बायोमोलिक्यूल्स, तीसरा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो हमारे पास यूनिट 3 में पहला चैप्टर, जो एनसीईआरटी के सीक्वेंस में चैप्टर 8 है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसको रिवाइज करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात यहां पर है कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, अमीबा भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैंगो प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा दो तरह के हो सकते हैं। कोई भी अगर लिविंग है तो उसमें सेल जरूर होगी, और सेल एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। अगर लिविंग के अंदर केवल एक ही सेल है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोशिकीय जीव। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल है तो उसे क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी बहुकोशिकीय जीव। अब यूनिसेलुलर में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट, ये सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। और मल्टी सेलुलर की बात करें तो उसमें ह्यूमन बींग, मैंगो प्लांट, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, ये सब आ जाएंगे। जनरली ज्यादातर केसेस में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। नेकेड का मतलब बिना किसी माइक्रोस्कोप के। लेकिन जो यूनिसेलुलर हैं, ज्यादातर यूनिसेलुलर को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, और जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए उन्हें कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म।
या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स कहा जाता है। और माइक्रोब की डेफिनेशन की बात करूं, जिनका साइज 100 माइक्रोमीटर से कम हो उन्हें माइक्रोब कहते हैं, और 100 माइक्रोमीटर से छोटी चीज अपनी नेकेड आई से बिना माइक्रोस्कोप के हम नहीं देख सकते हैं। सबसे छोटा साइज जो अपनी नेकेड आई से हम देख सकते हैं वो है 100 माइक्रोमीटर। 100 माइक्रोमीटर से छोटा साइज जैसे बैक्टीरिया का साइज 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है, इसलिए हमें बैक्टीरिया नहीं दिखाई देता है। हमारे सराउंडिंग में इस समय हजारों बैक्टीरिया है लेकिन नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि हमारी आंखें 100 माइक्रोमीटर से छोटी चीज को नहीं देख सकती हैं बिना माइक्रोस्कोप के, इसीलिए आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो माइक्रोब का जो डेफिनेशन आपको ध्यान रखना, माइक्रोब उसे कहते हैं जिसका साइज 100 माइक्रोमीटर से कम होता है। बहुत काम आएगा आपके, पूरा एक चैप्टर हमारे पास है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, चैप्टर नंबर 32, उसमें आप डिटेल में माइक्रोब के बारे में पढ़ेंगे। फिर आते यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी जो एक सेल के बने ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा की बात करें, ईस्ट की बात करें, दीज आर कैपेबल ऑफ, इनमें क्षमता है, कैपेबिलिटी है, किस चीज की, दो चीजों, दीज आर कैपेबल ऑफ इनडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, स्वतंत्र अस्तित्व। यानी जो अमीबा है एक सेल का बना है और ये तालाब के पानी में रहता है और इसका स्वतंत्र जीवन है, ये किसी दूसरे अमीबा पर किसी भी काम के लिए डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता है। दूसरा, परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, एक ही सेल के अंदर, ये देखो ये अमीबा है, उसकी सेल के अंदर वो सारी चीजें हैं जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जैसे इस सेल के अंदर वो सारे काम होते हैं, यही सेल डाइजेशन करती है, यही सेल रेस्पिरेशन करती है, यही सेल एक्सक्रीशन करती है, यही सेल रिप्रोडक्शन करती है। अमीबा एक सेल का बना और एक ही सेल वो सारे काम करती है जो जिंदगी के लिए जरूरी, जिंदगी के लिए और कुछ नहीं चाहिए, बस एक सेल चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक ही सेल के अंदर सारे काम पूरे हो जाते हैं। अब एनसीईआरटी कहता है कि अगर एक सेल में से कुछ भी हटा दिया जाए, जैसे अमीबा की सेल में न्यूक्लियस है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहां जो भी स्ट्रक्चर दिखा, इसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है बेटा वो एनर्जी देना, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। जो न्यूक्लियस है ये सेल के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, सेल जो भी काम करती है उसे कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम है ऑस्मोरेगुलेशन करना। ऑस्मोरेगुलेशन का क्या मतलब है, ये अमीबा की जो बॉडी है वो पानी में, तालाब का पानी, पानी बॉडी के अंदर आता है, यहां से पानी अंदर आ रहा है। अब पानी जब अंदर आएगा अमीबा की बॉडी के, तो इसकी बॉडी फूलती चली जाएगी और एक समय बाद फट जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना पानी अंदर आ रहा उतना पानी कॉन्ट्रेक्टाइल वेहिकल सीवी इकट्ठा कर रही है और ये पानी यहां से बाहर, तो जितना पानी आया अंदर सीवी ने उतना पानी कर दिया बाहर, यानी वाटर का बैलेंस बना दिया, इसलिए अमीबा फटता नहीं है, जिंदा रहता है। पानी का जो बैलेंस बन रहा है उसे हम लोग कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। तो सीवी का काम क्या हो गया, ऑस्मोरेगुलेशन। न्यूक्लियस का काम क्या हो गया, ऑर्गन के फंक्शन को, ऑर्गेनेल के फंक्शन को कंट्रोल करना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम एनर्जी देना, भाई सीवी को काम करना है ना, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया। सीवी काम करेगा, उसके काम को कंट्रोल कौन करेगा, न्यूक्लियस। तो सबका अपना एक काम है। अब एनसीईआरटी कहता है अगर इसमें से किसी को हटा दें, जैसे न्यूक्लियस को निकाल लो, तो न्यूक्लियस अगर निकाल लोगे अमीबा की बॉडी से, तो अमीबा के जो ऑर्गेनेल हैं सीवी माइटोकॉन्ड्रिया काम ही नहीं कर पाएंगे, अमीबा मर जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया निकाल लो, न्यूक्लियस ना निकालो, माइटोकॉन्ड्रिया निकाल लो, अब एनर्जी पैदा नहीं होगी इसके अंदर, तब भी मर जाएगा। सीवी निकाल लो, माइटोकॉन्ड्रिया ना निकालो, न्यूक्लियस ना निकालो, सीवी निकाल लो, तो इसकी बॉडी फट जाएगी फूट के पानी से। मतलब जिंदा रहने के लिए एक पूरी सेल चाहिए, एक सेल से कम पर जीवन संभव नहीं है, बस एक सेल चाहिए जिंदगी के लिए। तो जिंदगी के लिए कम से कम एक सेल की जरूरत है, एक सेल से कम पर जीवन संभव नहीं है। जिंदगी के लिए सनम नहीं चाहिए,
जिंदगी के लिए एक सेल चाहिए। एक सेल से कम पर जीवन संभव नहीं हो सकता है, कम से कम एक सेल चाहिए। इसलिए लिखा है एनीथिंग, कुछ भी लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। एक सेल से कम पर जीवन संभव नहीं है, hence इसीलिए सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा कि चैप्टर का नाम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्यों? सेल ही यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है? कोशिका ही जीवन की इकाई क्यों? क्योंकि एक सेल से कम पर जीवन संभव नहीं है। सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। एक सेल से कम पर जीवन संभव नहीं है, इसीलिए सेल को यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। यहां से assertion reason का एक बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अब कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक 1665। एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं, लेकिन बहुत जरूरी बात है। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है, और जो टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं टर्म सेल, ये भी रॉबर्ट हुक के द्वारा ही दिया गया था 1665 में। रॉबर्ट हुक ने सेल नहीं, एक्चुअली सेल वॉल को देखा था। लिविंग सेल को पहली बार देखा गया एंटोन वॉन लीवेनहॉक के द्वारा। यह बात एनसीईआरटी में आपको दी गई, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा 1831 में। अगर बोर्ड पे मैंने कोई ईयर लिखा है तो क्या वो इंपॉर्टेंट है? बोलो यस सर। अगर मैंने कोई ईयर बोर्ड पे लिख दिया तो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो याद कर लेना है, और अगर मैंने लिख दिया तो जरूर याद कर लो। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। एनसीईआरटी में माइक्रोस्कोप का जिक्र है, लेकिन थोड़ी डिटेल नहीं दी गई, तो मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूं। दो माइक्रोस्कोप जान लो, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ये जो माइक्रोस्कोप है इसको डेवलप किया गया जर्निके नाम के साइंटिस्ट के द्वारा, और इसका यूज करते हैं लिविंग सेल की स्टडी के लिए। बहुत खास बात है, लिविंग सेल की स्टडी के लिए फेज कंट्रास्ट का यूज करते हैं, और बिना स्टेनिंग किए हुए अगर किसी सेल को देखना है तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। दूसरा है तो बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाई नॉल, के साइलेंट है, कॉनॉल नहीं पढ़ना। दिस इज नॉल एंड रस्का इन द ईयर 1932। क्या ईयर इंपॉर्टेंट है? यस, अगर बोर्ड पे लिखा है तो इंपॉर्टेंट ही होगा। अब देखो, अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो माइक्रोस्कोप का जो रिलेशन है, वो फिजिक्स से है। फिजिक्स में आप माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं। स्टेन कलर का जो रिलेशन है वो केमिस्ट्री से है। और बताओ, हम बायो पढ़ने के लिए, सेल को पढ़ने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? दोनों का। हम माइक्रोस्कोप भी यूज करते हैं, हम सेल को कलर भी करते हैं, स्टेनिंग भी करते हैं, यानी बायो में पढ़ाई करनी है, लेकिन कॉन्सेप्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री के यूज करने हैं। और लिखा है द कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर अप्लाइड टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी। बायो को समझने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट भी हम अप्लाई करते हैं, और इस फिनोमिनन को कहते हैं, दिस इज नोन एज फिजिको केमिकल अप्रोच और रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। क्या कहते हैं इसे? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी या फिजिको केमिकल अप्रोच। और ये बात एनसीईआरटी में आपको दी गई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे हम लोग। सेल चैप्टर 8 में है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, और हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नीट एक्सप्रेस सीरीज में अगली वीडियो में आपके लिए फिर से एक्सप्रेस टाइप में हम लोग कुछ अगले कंटेंट को, सेल थ्योरी को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय।